अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियमशहजाद का सलाम हो। आज हम आपको लाहौरी चरगा घर में बनाना बताएंगे कि किस तरह हम इसको तैयार करेंगे बिना ओवन के, बिना किसी मशीन के, और 20 से 25 मिनट के अंदर हम आपको चरगा जो है ज़बरदस्त सा तैयार करके दिखाएंगे। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा चिकन चाहिए होगा और किस तरह इसकी कटिंग हम करेंगे। आपने अगर होल चिकन लेना है तो आप होल चिकन भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो लिया पीस कर लिए, ये यहाँ पर देखें ब्रस्ट के हमने ये देखें दो पीस कर लिए और इसमें हमने कट्स लगा लिए थे। साथ ही यहाँ पर ये देखें दो ब्रस्ट हैं ये हमारे पास, ये देखें इसके भी हमने ये देखें यहाँ पर कटिंग कर ली थी जिस तरह के हमने यहाँ पर किए थे। साथ ही ये हमारे पास ये देखें ये होल चिकन है हमारे पास, लेकिन हमने इसके बड़े बड़े से पीसेस कर लिए थे। मसाला जो हमने इसमें लगाया था वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास गरम मसाला था जो कि हमने एक टेबलस्पून जो था हमने इसमें डाला था, क्योंकि हम इसको बहुत ही स्पाइसी सा बनाएंगे। साथ ही लेमन जूस है जो कि हम दो टेबलस्पून जो थे हमने इसमें डाले थे। हल्दी हमने डाली थी, कलर आप येलो भी कर सकती हैं, आपने अगर रेड कलर करना है तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। हल्दी हमने इसमें एक टीस्पून डाली थी, नमक टू टेस्ट डाला था। जो मिर्च थी हमने वो इसमें डेढ़ टेबल स्पून हमने डाली थी, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी वो हमने डेढ़ टेबल स्पून डाली थी। साथ ही यहाँ पर हमारे पास योगर्ट था जो हमने तकरीबन डेढ़ से दो टेबल स्पून जो थे हमने इसमें डाले थे। और इन सब मसालों को हमने लगा के तकरीबन 5 से 6 घंटे आप रख लें ताकि अच्छे तरीके से जो मसाले हैं वो इसमें लग जाएं, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा आए। और यहाँ पर लेकिन ये जो हमने मसाला लगा के रखा था ये हमने ओवरनाइट मसाला लगा के रखा था, और अब हम इसको बनाएंगे तो ये देखें इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साथ ही यहाँ पर हमारे पास कोयला है और हम इसको बारबेक्यू का टच देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर जो कोयला था इसका हमने जो स्टीम थी हमने इसको पहले दे दी। इसी तरह हमने मसाला लगाने के बाद हमने जो स्टीम थी पहले दे के इसको कवर कर दिया था ताकि जो स्टीम है अच्छे तरीके से चली जाए। लेकिन अगर आप बाद में इसको स्टीम देना चाहते हैं तो आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखें सबसे पहले हमने जो काम करना है हमने इसको ये देखें स्टीम में हम इसको पकाएंगे ताकि हम ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा गल जाए। यहाँ पर देखें पानी हमने डाल दिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है, मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमने देखें छन्नी रखी, बड़ा सा देश का रखा जिसके ऊपर ये इस तरह करके ये होल्ड हो रहा है। ये देखिए ये होल्ड हो गया, पानी हमने इसमें डाल दिया क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है। अब हम इसमें चिकन डाल के इसको कवर कर देंगे तकरीबन उस वक्त तक जब तक के हमारा चिकन जो है स्टीम नहीं हो जाता। 15 मिनट लग सकते हैं इसमें हम लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें पानी जो था ये बॉयल हो रहा है। साथ ही हमने देखें पूरी जो ये छन्नी हमने रखी थी इसके हमने देखें पूरी लेयर जो थी हमने लगा दी ताकि हम एक ही दफ़ा में चिकन को स्टीम करना चाहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आपने इसी तरह ही एक दफ़ा या दो दफ़ा आपने करना है। सबसे पहले एक दफ़ा कर लीजिए, जितनी आपके छन्नी बड़ी है तो इसमें हमारे पास तो ये छोटी छन्नी है लेकिन बड़ी है तो फिर आप इसमें ज़्यादा पीसेस भी लगा सकते हैं। ये देखें पानी जो था बॉयल हो रहा है, बिल्कुल तेज़ आँच हमने की हुई है। ये देखें अब हम इस पर कवर कर देंगे और इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से देखें स्टीम होगा हमारा। अब हम इसको 20 से 25 मिनट देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा स्टीम हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद हमने ये देखें इनकी जो साइड थी ये चेंज करते रहे हैं, और अब ये हम इसको फिर कवर कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से पक जाए। अब यहाँ पर जो चिकन था हमारा हो गया स्टीम, हमने जो किया था ये अब हम इसमें फ्राई करेंगे इसको। ऑयल जो था हमने गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पर हमने पीसेस डाल दिए, ऑयल जो था हमारा गर्म था। अब हम इसको एक साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन जो है होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं ताकि एक तरह से अच्छे तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कलर में, अगर आप इसमें कलर रेड डालना चाहें तो आप रेड भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा कलर येलो डाला था और साथ ही हमने इसमें देखें हल्दी का कलर था। और देखें एक तरफ से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन जो था ये देखिए फ्राई हो रहा है अच्छे तरीके से। अगर स्टीम किया हुआ है आपने तो ये देखें बहुत ही जल्दी जो चिकन है ये फ्राई हो जाता है। और ये देखें अब हम इसको निकाल लेंगे, ये तो बिल्कुल हो गया है तो हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एक होल चिकन के हमने 8 पीस करवाए थे, यहाँ पर ये देखिए कुछ हो गए हैं और बाकी जो 3 हैं ये यहाँ पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। होल चिकन अगर आपने करना है तो आपने इसी तरीके से ही आप करेंगे। पीसेस हमने थोड़े बड़े ही करवाए थे, ये देखें ये ब्रेस्ट के पीस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने फ्राई किए थे पीसेस इनको हमने पेपर पर निकाल लिया है। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भी आपने इनको फ्राई नहीं कर लेना वरना ये जो चिकन है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर तमाम चिकन जो थे पीसेस हमारे हो गए, अब हम इनको सर्व करते हैं। यहाँ पर लाहौरी चरगा जो था हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसको होल चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको पीसेस में भी बना सकते हैं। हमने इसको आपको पीसेस करके बनाकर बताया, एक चिकन के हमने 8 पीस किए और इसको हमने मसाला लगाकर भी आपको बताया। इसके बाद हमने स्टीम करने का तरीका भी बताया, बिना ओवन के भी हमने आपको बताया कि किस तरह आप घर में इसको स्टीम कर सकते हैं, किस तरह हमने इसको फ्राई किया, बारबेक्यू का हमने टेस्ट दिया इसको। आप ये उम्मीद है आपको ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब बिल्कुल ये बाज़ार जैसा है आपको नज़र आ रहा होगा, जिस तरह के हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसी तरह ही यही रेसिपी हम घर में भी बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, पेज को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।